फिर से नागौर का मुद्दा गूंजा है। आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल ने शून्यकाल में मांग उठाते हुए कहा कि नागौर जिले में दो दलितों के साथ जिस तरीके से अत्याचार किया गया सरकार को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। विधानसभा में एक बार फिर नागौर कांड की गूंज सुनाई दी। खेमसर विधायक नारायण बेनीवाल ने शून्यकाल में नागौर का मुद्दा उठाया। बेनीवाल ने कहा, ये मामला अलवर सामूहिक रेप कांड से कम नहीं है। ऐसे में नागौर एसपी को एपीओ कर पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। घटना होने के चार दिन के बाद एफआईआर होना और वो भी हल्की धाराओं में होना और इन पीड़ितों के ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज करना, इसमें कहीं न कहीं पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका इसमें संदिग्ध है। हमने मांग की, हम धरने पे भी बैठे कि नागौर के एसपी को तुरंत एपीओ किया जाए। इधर बीजेपी ने सरकार से सदन में अपना पक्ष रखने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। पैरों पे आदमी खड़े हैं, हाथों पे आदमी खड़े हैं और फिर उसके गुप्तांग में जो है वो उससे डाल करके पेट्रोल डाला जा रहा है, देख करके दिल दहल जाता है। उसके बाद जानकारी में आने के बाद पुलिस ने हल्की धाराएं लगाकर मुकदमा क्यों बनाया और डीजी को धाराएं क्यों जुड़ानी पड़ी, इसके बारे में स्पष्ट करिए, तब लगेगा कि आप वास्तव में उस व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति के प्रति आप में कोई मानवीयता है। सरकार की ओर से जवाब नहीं मिला तो आरएलपी विधायक वेल में धरने पर बैठ गए, जिसके बाद स्पीकर के समझाने पर धरना समाप्त कर दिया। जो भी हो, नागौर के कन्नू में हुई दलितों से पिटाई की घटना के बाद अब ये मामला सियासी मुद्दा बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।